नमस्कार सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने बड़े बूढ़ों से बहुत बार सुनी होगी। आप भी जानते हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो किस लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं उनका वास्तु में क्या योगदान है। तो जब भी आप किसी घर को लेते हैं या उसके अंदर रह रहे होते हैं या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं और आसपास अगर आप देखते हैं कि ग्रीनरी बहुत है, तो वहाँ पर आपके जो वास्तु दोष होते हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए एनर्जी जो पॉजिटिव चाहिए होती है वो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है। पेड़ पौधे इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जितनी हरियाली आप देखेंगे उतना आपका मन शांत होगा, उतने ही अच्छे भाव आपके मन में आएंगे। और जो वास्तु पुरुष किसी भी प्रॉपर्टी में हमेशा विद्यमान होता है वो हमेशा तथास्तु तथास्तु और तथास्तु ही कहता है कि आप जो भी कह रहे हैं वही सच हो, वही आपकी ज़िंदगी में सत्य की तरह घटित हो। तो मन आपका प्रसन्न होता है हरियाली को देख के, हरियाली जो है आपके वास्तु दोषों को जो है वो रेक्टिफाई करती है। और इसके अलावा जब आप उल्लास के साथ बार बार उल्लास भरी बातें करते हैं तो वास्तु पुरुष उन्हीं बातों के लिए तथास्तु कहता है, ना कि आपके नेगेटिव जो वर्ड्स आपके निकल रहे होते हैं किसी भी क्लटर्ड में जब आप एनवायरनमेंट में बैठे हुए होते हैं या फिर बहुत बड़े वहाँ पर इलेक्ट्रिकल टावर्स आप देखते हैं या फिर किसी तरीके की हाई टेंशन वायर्स वहाँ पर होती हैं, तो उसके अगर आप कंपैरिजन में देखें तो जहाँ पर हरियाली ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर वास्तु दोष रेक्टिफाई होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि जहाँ मैं पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका मेन डोर है, जो जिस दरवाजे से, जिस द्वार से आपका आना जाना है, उस दरवाजे के सामने कभी भी कोई बड़ा वृक्ष, कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। तो पेड़ों का होना शुभ है वास्तु के हिसाब से, हरियाली का होना शुभ है वास्तु के हिसाब से। सिर्फ एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी मेन डोर के सामने एक बड़ा जो है पेड़ जो है उसकी एनर्जी को ब्लॉक ना कर रहा हो। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।